तो दोस्तों, आज की जो ब्लॉग है काफ़ी अच्छे नज़ारा के साथ मैं दिखाऊंगा। और मैंने कुछ मारुति वैन के अंदर से शूट किया हूं और कुछ बाइक के ऊपर से मैंने शूट किया हूं। तो मैं इस ब्लॉग को आप सबके पास पेश करना चाहूंगा। तो इस ब्लॉग काफ़ी अच्छा है और एक ब्लॉग बनाने दोस्तों बहुत मेहनत लगता है। इस मेहनत के बाद भी आप लोग क्या करते हो, उल्टे सीधे कमेंट करते हो और डिसलाइक भी कर देते हो। ऐसे भी ब्लॉग बनाने में काफ़ी समय लगता है और बहुत जगह जाना पड़ता है। तो इतनी खास जगह हम लोग का इस तरफ है नहीं जो मैं जाऊंगा। इस वजह से मैं गांव से थोड़ा बहुत शहर ऐसे कुछ ब्लॉग बनाकर दिखाता हूं। तो चलो दोस्तों, ये है हल्दिया जाने के लिए एक गांव का रास्ता है, उसके अंदर से इस रास्ते गया है। इस काफ़ी हरियाली देख सकते हो और बहुत ही अच्छी नज़ारा है। इस नज़ारा का मज़ा लो, ऐसी वीडियो आप सबको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा नज़ारा है, इसको देख के आप सबको पता चल रहा है जो कितना अच्छा नज़ारा है। और इस रास्ते पर बहुत ही कम लोग चलते हैं और यहाँ का जो माहौल है बहुत ठंडा रहता है और इतना गर्म भी नहीं। देखो, काफ़ी सारा दुकान भी है इस साइड में। दुकान अभी फ़िलहाल बंद है, कुछ दुकान खुला है और कुछ बंद है। जो समय में हम लोग दोस्तों, ये टाइम है सुबह का टाइम, इस वजह से काफ़ी लोग कम नज़र आ रहा है रास्ते पर। करीब इस टाइम 6 या 6:30 ऐसे कुछ टाइम हो रहा है और हम लोग अंदर के रास्ते से जा रहे हैं। हाईवे में नहीं गए हैं, तीन चार बहुत ज़्यादा है। बाइक में, मोटर बाइक में चल रहे हैं, इस वजह से हम लोग अंदर से जाने की कोशिश। दोस्तों, ये वीडियो देखो, कितने हर किस्म का पेड़ जो यहाँ है आपको मिलेगा देखने को। और ये फिलहाल गांव के अंदर का नज़ारा है, गांव का जो मेन रास्ता है, ये गांव का मेन रास्ता है। बाकी अंदर की तरफ तो छोटा रास्ता मिल जाएगा आपको। आप दिल्ली आओ तो दिल्ली जाने के लिए, गांव के लिए इस रास्ता बहुत बढ़िया है। यहाँ कोई खतरा नहीं है। अगर मेन रास्ते पर जाओगे या हाईवे पर जाओगे तो वहाँ आपको खतरा का अंदाज़ा रहता है या खतरा का डर रहता है। हाईवे में अगर बाइक लेके निकलोगे तो वहाँ तो खतरा का डर रहता है। तो हाईवे का खतरा का अंदाज़ा आप सबको मालूम है कितना खतरनाक होता है। जो गांव का रास्ता है, गाँव का रास्ता है, जो गांव का जितने भी रास्ता है ढलाई रास्ता है। और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो वो कमेंट करके बताना, मैं कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। अगर जो वीडियो को पूरा वॉच करता है और अच्छे कमेंट लिखता है, चैनल को सब्सक्राइब करता है, तो मैं उनका चैनल का लिंक हमारा कम्युनिटी पोस्ट में मैं पोस्ट करूँगा। और हमारा कम्युनिटी पोस्ट आप चेक भी कर सकते हैं, जो कितना रीच आ रहा है हमारा और भी चैनल, तो वहाँ मैं पोस्ट करूँगा। जहाँ रीच ज़्यादा है तो वहाँ मैं पोस्ट करूँगा। तो दोस्तों, ये है गाँव का जो रास्ता। आगे यहाँ तो अभी तक फिलहाल रास्ता सही है, आगे और भी खतरा रास्ता है। समुंदर का जो पहाड़ है, समुंदर का हाथ भी वहाँ रास्ता बहुत ही खतरा, मतलब बहुत घटिया रास्ता, ख़राब रास्ता। बाइक 20 से ज़्यादा आप चला नहीं पाएंगे, इतना रास्ता खराब है। ऐसे भी हम लोग स्लो चल रहे हैं, इस वजह से स्लो चल रहे हैं। वीडियो में शूट करने की वजह से तो थोड़ा स्लो चल रहे हैं। अगर ज़्यादा स्पीड हो जाएगा तो वीडियो का क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाएगा। ऐसे भी क्वालिटी हमारा कैसा है वो तो आप सबको पता है, मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं जो मेरा क्वालिटी कैसा रहा। मुझे तो मेरे तरफ से लग रहा है जैसे मैं कि अच्छी शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब यूट्यूब में जाकर वीडियो देखता हूँ तो दूसरे का वीडियो बहुत अच्छा है और हमारा वीडियो इतना खास नहीं है। तो दोस्तों, इसलिए मैं कहना चाहूँगा जो वीडियो का क्वालिटी कैसा है और कैसे शूट करते हैं, अगर हमसे भी अगर कोई सीनियर है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं वैसे शूट करने की कोशिश करूँगा। उनका चैनल में उनका वीडियो भी जाकर देखूँगा, फिर वैसे शूट करूँगा। तो दोस्तों, ये है मेन रास्ता, ये भी कोलकाता जा सकते हो, हल्दिया जा सकते हो। और यहाँ से हम फिर एक अंदर का रास्ते में ये देख सकते हो दोस्तों, ये है समंदर। यहाँ से इस समंदर की पहाड़ में जो इस रास्ते गया है, इस रास्ते से पूरा बिल्कुल हल्दिया आप जा सकोगे। साइंस सिटी हल्दिया का पूरा जा सकते हो। तो ये रास्ता कितना ख़राब है देखो, बिल्कुल गाड़ी स्लो चल रहा है और समंदर का खरोच और जोश बहुत तेज़ है। मैं बाइक के ऊपर से कैमरा कर रहा हूँ, इस वजह से आप लोगों को अच्छा से दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो अच्छे से नहीं दिखाने के लिए दोस्तों हमें माफ़ करना। और आगे
अगर मैं वहाँ आऊँ तो आपके लिए, आप सबके लिए वीडियो का क्वालिटी भी अच्छा बनाऊँगा और समंदर का मैं वीडियो भी जो बनाऊँगा अच्छे तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये जो रास्ता है ये बिल्कुल कच्चा रास्ता है, देख सकते हो, इनको पक्का रास्ता था, इनको उठा दिया गया है। ये रास्ता अभी फ़िलहाल बनने वाला है, इस वजह से ये रास्ता को पूरा उठा दिया, अब नया रास्ता बनेगा, इस वजह से इतना ख़राब रास्ता है। तो यहाँ से अंदर से जाओगे तो आपको हल्दिया जाने में कम से कम आधा घंटा सेफ हो जाएगा, आधा घंटा सेफ हो जाएगा, बहुत कम होता है, कम से कम 10 किलोमीटर आपको सेफ हो जाएगा अंदर से जाने के लिए। बाहर से जाओगे तो 10 किलोमीटर ज़्यादा और टाइम भी आधा घंटा ही लग जाएगा। आई आई में जाम होता है, यहाँ बिल्कुल जाम नहीं, यहाँ बिल्कुल हल्दिया रास्ता रहता है, अलग अलग अच्छा कमेंट करेगा उसका चैनल का लिंक करेगा। दोस्तों वीडियो को पूरा कंटेंट करूँगा।